हेलो एवरीवन, टुडे आई डिस्कस द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 6 प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर। दृढ़ या ठोस पदार्थों के जो गुण हैं उससे जुड़ा हुआ हमारा नया टॉपिक रहेगा आज। हुक्स लॉ, हुक का नियम, और इसको हम इसका स्टेटमेंट बताएंगे, इसके साथ साथ इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार, और इससे पहले डिस्कस करेंगे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है उसका मीनिंग, ठीक है। और इसके टाइप्स रहेंगे हमारे 3 टाइप्स हैं। उसके बाद पॉइजन रेशो के बारे में बताएंगे, इसका स्टेटमेंट और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और इसके साथ साथ इसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू। उसके बाद लास्ट शॉर्ट के लिए क्वेश्चन रहेगा थर्मल स्ट्रेस, उसमें प्रतिबल, इसका मीनिंग और इसका फॉर्मूला बताएंगे, क्लियर है। तो ये टॉपिक हमारा आज का जो सेशन है ये लास्ट के 2 सेशन पे डिपेंड करेगा। आपके जो स्ट्रेस और स्ट्रेंथ, प्रतिबल और विकृति, ये दोनों लेक्चर जो हमने आपको डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में, स्ट्रेस का टाइप्स उसकी मीनिंग और स्ट्रेंथ का टाइप्स और उसकी मीनिंग, ठीक है, उन सभी का यूज होगा आज के इस टॉपिक में, क्लियर है। तो वो टॉपिक अपने आप अच्छे प्रिपेयर अगर आपके हैं तो वो टॉपिक आपका इजी बन जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में हुक्स लॉ, हुक का नियम, हुक्स का जो लॉ है, हुक्स लॉ स्टेटमेंट आएगा, क्वेश्चन बनेगा, स्टेट द हुक्स लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हुक का नियम क्या है, इसका कथन लिखिए और इसका गणितीय सूत्र भी बताइए, क्लियर है। तो सबसे पहले ये साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1679 में एक स्टेटमेंट या एक व्यू प्रपोज किया, इन्होंने प्रपोज किया एक व्यू अबाउट द स्ट्रेस और स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉडी, ठीक है, अंडर द केस ऑफ लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, क्लियर। तो 3 कंसेप्ट रहेंगे हमारे हुक्स लॉ को रिप्रेजेंट करने के, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हुक्स लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 फिजिकल स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, फर्स्ट स्ट्रेस प्रतिबल, सेकेंड वन स्ट्रेन विकृति, और थर्ड वन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा, क्लियर। तो इन्होंने ये कंडीशन दी थी स्ट्रेस के लिए, फॉर द स्ट्रेस ऑफ ए बॉडी, प्रतिबल और स्ट्रेन ऑफ ए बॉडी, विकृति और लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो इन 3 फंक्शन को पहले ब्रीफली हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था इस चैप्टर में, जब हमने इसका स्टार्टिंग किया था, है ना, इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बताया था इलास्टिसिटी क्या है, है ना। तो इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है ना ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी की क्या है, एक प्रॉपर्टी है विच क्या होती है, बिकम
ए ओरिजिनल सेफ आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स या कोई बाह्य बल आरोपित करते हैं और आरोपित करने के बाद बॉडी के कॉन्फिगरेशन मीन उसकी लेंथ वॉल्यूम या शेप इन सब में थोड़ा चेंज आएगा, बट डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आने का क्या करेगी, एक एफर्ट लगाएगी और मोस्टली परफेक्टली बॉडी क्या होगी, अपनी ओरिजिनल शेप में रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये किस कारण हुआ है, ड्यू टू द इलास्टिसिटी, ड्यू टू द इलास्टिसिटी। ये वस्तु का एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। क्लियर है ना। तो किसी बॉडी का डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में आने के लिए एफर्ट लगाना क्या है, इलास्टिसिटी। क्लियर। अगर मैं कंडीशन दू कि डिफॉर्मिंग फोर्स उस बॉडी के ऊपर, सपोज दैट वो ये बॉडी है, हथेली है, और मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स मीन्स लार्ज अप्लाई किया, एक लिमिट से ज्यादा किया, तो क्या होगा, ये बॉडी डैमेज हो जाएगी, मतलब इसकी शेप, इसका कॉन्फिगरेशन, ये क्या हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा, ये अपनी शेप में नहीं आ पाएगा। क्लियर है। तो अगर हम लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू को बार बढ़ाएं, लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करें, तो उस समय बॉडी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगी, मींस जो उसका वो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की, वो उसके अंदर से क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। समझ रहे ना। तो जब भी हम किसी वस्तु के ऊपर बाह्य बल या विद्युत बल का मान बहुत अधिक बढ़ाते हैं, तो उस अवस्था में वस्तु अपनी पूर्व आकार या आकृति को प्राप्त नहीं कर सकती, जिसके कारण उस वस्तु से प्रत्यास्थता का जो गुण है वो उसमें विद्यमान नहीं रहेगा। क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि हमने आउट ऑफ लिमिट वर्क किया है, डिफॉर्मिंग फोर्स को हमने आउट ऑफ लिमिट दिया है। क्लियर है ना। तो जब भी कंडीशन ऐसी बनेगी हमारे पास कि प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी बॉडी के अंदर कंटेन नहीं है, प्रत्यास्थता गुण वस्तु के अंदर विद्यमान नहीं है, तो उसी समय आप कहना कि हमारे पास जो बॉडी है वो बल्क मैटर में नहीं रहेगी। क्लियर है ना। तो आपको कंडीशन देनी है, एक सफिशियंट कंडीशन तक आपको डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कराना है, ठीक है ना, जो उसकी लिमिट को फॉलो करे। क्लियर है ना। तो एक ऐसा प्रॉपर्टी या एक ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स उस लिमिट तक आपको अप्लाई कराना है जिस कंडीशन में बॉडी इलास्टिक प्रॉपर्टी को भी फॉलो करे। समझ रहे ना। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने आपको उसके बाद बताया था स्ट्रेस या स्ट्रेन। स्ट्रेस में आपको मैंने बताया था, स्ट्रेन में मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, चेंज इन कॉन्फिगरेशन कोरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, है ना, वस्तु के विन्यास में हुआ परिवर्तन और उसका वास्तविक विन्यास, ठीक है, दोनों में हल्का चेंज हुआ था ना। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंटेन है ना, ये इसके लॉ को फॉलो कर रहा है। कोई भी बॉडी उसी कंडीशन में स्ट्रेन या स्ट्रेस में वर्क करेगी अगर वो लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो करेगा। क्लियर है ना। कोई भी बच्चा एग्जाम को तभी करेगा अगर वो अपनी क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन के इंटरनल एग्जाम या एक्सटर्नल या प्रैक्टिकल या व्हाटएवर वर्किंग को फॉलो करेगा। क्लियर। तो स्ट्रेन किसी बॉडी का होना और स्ट्रेस किसी बॉडी में होना, ये दोनों किस पे डिपेंड है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, और लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड है, इलास्टिक प्रॉपर्टी पे। क्लियर। और इलास्टिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड है, एक लिमिट में लगाए गए डिफॉर्मिंग फोर्स के ऊपर। समझ रहे हैं ना। तो ये कंडीशन अगर होगी तो स्ट्रेन होगा, अगर ये कंडीशन होगी तो स्ट्रेस होगा। तो आपको इन दोनों के बीच क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है जो हुक्स ने बताया था इसके रिगार्डिंग। क्लियर। तो दोबारा फिर सुनो, 1679 रॉबर्ट हुक रिप्रेजेंट और प्रपोज दैट ए थ्योरेटिकल स्टेटमेंट ऑफ ए बॉडी फॉर विच स्ट्रेस
और स्ट्रेंथ अंडर द कंडीशन ऑफ लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो हुक्स ने एक नियम प्रस्तुत किया और उसका जो कथन है वो किसी वस्तु के प्रतिबल और उस वस्तु की विकृति के बीच एक संबंध स्थापित करेगा। कब? जब वस्तु प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर कार्यरत हो। क्लियर है? तो आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द हुक्स द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉडी। तो इनके अकॉर्डिंग जो वस्तु का प्रतिबल है वो उस वस्तु की विकृति के क्या है? समानुपाती है। क्लियर? और ये पहली कंडीशन दी थी इन्होंने, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ, ये आपकी पहली कंडीशन बताई थी फोक्स ने। इसके बाद उसको मॉडिफाई करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, हमें हमारे पास ये प्रोपोजल डायरेक्ट का साइन है, इसको हटाने के लिए हम कोई कॉन्स्टेंट टेकन करते हैं। स्ट्रेस इक्वल हम लेंगे कैपिटल ई और इनटू स्ट्रेंथ, इसको मॉडिफाई करेंगे और मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आएंगे कैपिटल ई इक्वल स्ट्रेस अपॉन। तो दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, रोमर टू इंट्रोड्यूस दैट स्ट्रेस ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉडी अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना? तो दिस विल बी रिप्रेजेंट इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। ठीक है ना? प्रतिबल और विकृति के संबंध में हुक्स ने एक नियम प्रस्तुत किया और यह प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर कार्यरत है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर ए में रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर ए को मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाने के लिए कन्वर्ट किया है और कोई कॉन्स्टेंट लिया है इक्वल इक्वेशन करने के लिए। क्लियर? तो स्ट्रेस इक्वल कैपिटल ई इंटू स्ट्रेंथ, तो यह बन जाएगा कैपिटल ई इक्वल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ। क्लियर? वेयर तो हमारे पास इक्वेशन नंबर की बनेगी, ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर? वेयर ई, ई क्या है? ई इज ए कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो वेयर ई इज ए कॉन्स्टेंट, इज ए कॉन्स्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एंड it is called coefficient of elasticity और इसको हम कहेंगे modulus of elasticity। क्लियर? इक्वेशन नंबर थ्री में E क्या है? कैपिटल ई एक कोएफिशिएंट है, एक कांस्टेंट है, जिसको हमने क्या कहा? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता गुणांक, या इसको हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता गुणांक। क्लियर? तो E क्या है यहाँ पे? एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर क्वेश्चन आता है कन्वर्ट होके इट डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो तब भी आपको उसका लॉ ही रिप्रेजेंट करके आना है। क्लियर है ना? कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में। तो अगर आपसे पूछेगा प्रत्यास्थता गुणांक को डिफाइन करो या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता गुणांक को, तो तब भी आपको हुक्स का लॉ ही रिप्रेजेंट करके आना है। क्लियर? अब बात करेंगे हम इसके यूनिट की, तो यूनिट हम फाइंड करते हैं विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर बी में जाएंगे। तो जब हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट ज्ञात करेंगे तो क्या बनेगी यूनिट हमारी? तो यूनिट इक्वल यूनिट ऑफ ई
यूनिट ऑफ डी। तो क्या रहेगी, स्ट्रेस का हमारे पास होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, एमकेएस में न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और स्पैन होता है हमारे पास यूनिट, है ना, यूनिट लैस होता है या वन होता है, क्लियर। तो उसको लेंगे अपन, क्या आएगा ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अगर एमकेएस में जाएगा एमकेएस में, एसआई में जाएगा एसआई में, ठीक है, आपको ये देख के आना है, या सीजीएस में, ठीक है। अब इसका निकालेंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र क्या बनेगा इसके लिए, एम एल पी माइनस टू, और ये अपॉन आ जाएगा ये एल पी पावर टू। सॉल्व करेंगे इसको, ये पावर ऊपर जाएगी, ये कन्वर्ट होकर बन जाएगी एल माइनस वन और पी माइनस टू, क्लियर है ना। तो ये रहेगा हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र और ये इसका मात्रक, क्लियर। तो इस प्रकार से ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन चलेगा, स्टेटमेंट भी आपको देना है इसका, और इसका फिर आपको फॉर्मूला भी देना है, और इसका यूनिट बताना है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, क्लियर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने अभी आपको बताया है मीनिंग ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम मीनिंग रहेगा। अब चलेंगे इसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये भी स्पेशल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी हम बात करेंगे टाइप में, तो उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो किस प्रकार हमने आपको बताया था स्ट्रेस और स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस ऑफ ए बॉडी तीन टाइप का होता था, है ना, मेनली, और स्ट्रेन ऑफ ए बॉडी वो भी तीन टाइप का होता था, क्लियर। तो उसी के अकॉर्डिंग जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी कितने का होगा, तीन टाइप का होगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो कर रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या होगा, तीन टाइप का होगा, है ना भाई। जिस प्रकार किसी फैमिली में कोई गार्जियन है ना, और उनके एक सीरीज चलती है ना, ये जो गुण है बच्चे के अंदर वो गार्जन से आते हैं लगभग सिमिलर, तो उसी प्रकार से स्ट्रेस तीन टाइप का मैंने बताया था आपको, स्ट्रेन भी तीन टाइप का है, तो उसी प्रकार से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, तीन प्रकार का, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रहेगा मेरे पास यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम कहेंगे यंग सब्यास्ता गुणांक। सेकेंड वन इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, और थर्ड वन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसको हम कहेंगे सेलिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, या इसको हम कहेंगे अपरूपण गुणांक, क्लियर है ना। तो ये तीन पर काफी चलेगा आपका टॉपिक, और ये टॉपिक है हमारे पास प्रत्यास्थ गुणांक के प्रकार। तो ये तीन प्रकार से रहेगा, और इन तीनों टाइप का डेफिनेशन भी चलेगा, और इनका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और उसकी हेल्प से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पुट अप होती है, क्लियर है ना। तो इन तीनों को डिस्कस करेंगे हम, पहले बात करेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। सिंपली जो हमारे पास पहला केस है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसमें कंडीशन चलेगी हमारी
मैंने इक्वेशन नंबर ए रिप्रेजेंट करी है अपने पहले केस को डिफाइन करने के लिए। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग प्रत्यास्थता गुणांक को मैं डिफाइन करूंगा और उसके लिए मैंने इक्वेशन नंबर ए में दो कंडीशन ली है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास केवल दो कंडीशन बनेंगी, स्ट्रेस में और स्ट्रेन में। मैंने आपको क्लियर किया है पहले टॉपिक में कि तीन फंक्शन चलेंगे, स्ट्रेस, स्ट्रेन और लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना अपने टॉपिक में, स्ट्रेस और स्ट्रेन कॉमन है इस पूरे चैप्टर में, क्लियर है। तो मैंने पहला एक्सप्रेशन दिया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको हम बोलते थे अनुदैर्ध्य दैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति। तो मैंने डिस्कस किए हैं दोनों अपने अलग अलग केस में। अब बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, क्लियर। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास कोई बॉडी है या कोई हमारे पास कोई सॉलिड वायर है और उस सॉलिड वायर का हमने कोई एक एंड फिक्स किया हुआ है और एक एंड फ्री किया हुआ है और उसके एक एंड के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा रहे हैं। तो जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात करेंगे, तो उसके लिए हमने जो लास्ट सेशन में आपको केस डिफाइन किए थे कंप्लीट, वहां से आपको ये कैप्चर करना है और इसकी जो ब्रीफ कंडीशन है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई सॉलिड वायर है, ठीक है ना, जिसकी लेंथ एल है, ठीक है, और इसको मैंने एक पॉइंट से सस्पेंड किया है, एक पॉइंट से इसको बांधा है और एक पॉइंट इसका मैंने फ्री छोड़ा है, ठीक है। तो इस फ्री एंड के ऊपर मैं एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कराऊंगा, राइट। तो जैसे ये डिफॉर्मिंग फोर्स इस एंड के अलोंग वर्क करेगा, ठीक है ना, तो उस समय क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो एल से डेल्टा एल इंक्रीज हो जाएगी, एल से डेल्टा एल बढ़ जाएगी, क्लियर है ना। तो उस समय दो कंडीशन बनेगी, जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो तो कितना है हमेशा पी इक्वल एफ एफ ओने है, ऑलरेडी फिक्स है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो स्ट्रेस होता है वो किसी भी बॉडी के क्रॉस सेक्शन एरिया के अलोंग वर्क करता है, कोई फोर्स ही तो है ना, कोई फोर्स होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक प्रकार का फोर्स है ना, जो क्या करेगा, किसी भी वस्तु के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अलोंग कार्य करेगा, क्लियर। स्ट्रेस इज ए फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स विच इज अलोंग वर्क एट द पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी। सपोज दैट मैंने इस बॉडी के अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई किया, ये कुछ एरिया कवर कर रहा है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रेस। तो दिस इज फोर्स और ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एफ अपॉन ए क्या कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रेस, क्लियर। तो उसी प्रकार से ये कोई वायर रहेगा, ये एक पॉइंट से सस्पेंड है, इसकी लेंथ आप स्मॉल एल या कैपिटल एल लोगे और इसकी डायरेक्शन के अलोंग जो लोअर पॉइंट है आप एक स्ट्रेस अप्लाई कराओगे, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एल से डेल्टा एल बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो इस कंडीशन में दोनों केस फॉलो हो जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी, क्लियर। तो इसके लिए आप डायग्राम भी बना के आना जो हमने उस केस में बनाया था, ठीक है। डायग्राम जो मैंने आपको किसी सॉलिड वायर के लिए बनाया था ना, आपको सेम डायग्राम बनाना है विद स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन एल भी आपको शो कराना है, क्लियर। क्यों? क्योंकि जब हम इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे तो इजी बन जाएगा, क्लियर। तो फॉर्मूला रहेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो डिफाइन करेंगे द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग प्रत्यास्थता गुणांक प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है और इसे हम कैपिटल वाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। इसका फॉर्मूला हम इक्वेशन नंबर ए में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हम डायग्राम देंगे और डायग्राम के साथ साथ हम अगली कंडीशन देंगे
ये कंडीशन चलेगी y इक्वल ये क्या रहेगा स्ट्रेस मैंने आपको बताया था f अपॉन a और स्ट्रेन क्या होगा डेल्टा l अपॉन l क्लियर क्यों क्योंकि कोई वायर नहीं आया मैंने उसकी लेंथ को क्या बनाना स्ट्रेन बनाना है स्ट्रेन कब बनेगी जब डेल्टा l अपॉन l होगा और ये क्या है स्ट्रेस है t बराबर f अपॉन a क्लियर इसको हम मॉडिफाई करेंगे इसको इक्वेशन नंबर b और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा y इक्वल f इंटू l अपॉन डेल्टा l इंटू a क्लियर ये आपकी इक्वेशन नंबर c हैंच प्रूव तो ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है किसके लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्लियर तो ये यंग पश्चात्ता गुणांक के लिए व्यापक व्यंजक है जो पश्चात्ता की सीमा को फॉलो करता है न्यूमेरिकल अगर आएगा तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है y इक्वल f इंटू l अपॉन डेल्टा l इंटू a क्लियर तो ये पहला रहेगा आपका टाइप इसके लिए डायग्राम में आपको बनाना है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये कंप्लीट इसके सभी फंक्शन को आपको डिस्क्राइब करना है ना रटना नहीं है सारे स्टेप आपको जैसे जैसे आप डायग्राम में स्केच करोगे उसके अकॉर्डिंग जो आप कंडीशन लगाओगे है ना उसके अकॉर्डिंग आप इसकी थ्योरी भी डिस्क्राइब करोगे क्लियर तो ये आपका पहला केस कंप्लीट हो जाता है अब बात करेंगे हम सेकंड केस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो ये रहेगा हमारा आयतन प्रत्यास्थ गुणांक आयतन प्रत्यास्थ गुणांक तो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के लिए हमारे पास दो कंडीशन चलेंगी पहली कंडीशन रहेगी नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ये इसके लिए इक्वेशन नंबर ये बना लेना ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका ठीक है अब इसको डिफाइन करेंगे द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी इट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल कैपिटल बी ठीक है आपका अभिलंब प्रतिबल और आयतनात्मक विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थ गुणांक कहा जाता है और इसे सिंबल कैपिटल बी से करेंगे हम रिप्रेजेंट क्लियर है ना तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली मैंने आपको बताया था बी इक्वल नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेस वो ऐसा स्ट्रेस है जो किसी भी बॉडी के क्रॉस सेक्शन एरिया के ईच पॉइंट पे इक्वल वर्क करता है सपोज दैट ये वो क्रॉस सेक्शन एरिया है और अब ये जो फोर्स है ये जो स्ट्रेस है तो ये क्या करेगा इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे इक्वल वर्क करेगा न कि इस पॉइंट पे और न कि इस पॉइंट पे क्लियर नॉर्मल है ना तो नॉर्मल स्ट्रेस फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा एफ अपॉन ए ठीक है तो इसका फॉर्मूला रहेगा एफ अपॉन ए एज इट इज अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ में क्या होता है किसी भी बॉडी का क्या होगा वॉल्यूम चेंज होगा और उसका शेप चेंज नहीं होगा क्लियर मैंने एग्जांपल भी लिया था एक मैंने सॉलिड स्फेरिकल बॉल ली थी है ना एक ठोस गोलाकार वस्तु ली थी उसमें जो आयतन है वो तो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है और जो शेप है वो चेंज नहीं हो रहा है ठीक है तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी डेल्टा वी अपॉन बी और विद माइनस साइन समझ रहे ना तो ये माइनस साइन क्यों आया है क्यों क्योंकि इस बॉडी का वॉल्यूम चेंज हुआ है डिग्री जो है और शेप में कोई चेंज नहीं हुआ तो ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन बी आप ये अलग से भी इंडिकेट करना हियर माइनस साइन इंडिकेट दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फेरिकल बॉडी स्टिल डिक्रीजेस बट
डू नॉट चेंज इन द शेप और साइज। ठीक है, किसी भी ठोस गोलाकार वस्तु का आयतन में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, कम हुआ है, लेकिन उसके आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। इसको मॉडिफाई करेंगे, ये माइनस साइन कन्वर्ट कर जाएगा, बी इक्वल माइनस एफ अपॉन ए और ये डेल्टा वी अपॉन वी। क्लियर है ना, आपको पता है ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस है, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, पी, क्या होगा, पी इक्वल है ना सभी में, तो ये कन्वर्ट होकर बन जाएगा b बराबर माइनस p अपॉन डेल्टा v अपॉन v, या ये कैरी कर जाएगा, ये बन जाएगा रिक्वायर्ड pv और डेल्टा v, हैंस तो ये आपका एक रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है इसके लिए बल्क और इलास्टिसिटी के लिए। क्लियर, तो ये क्या है हमारे पास आयतन प्रत्यार्थक गुणांक के लिए व्यापक व्यंजक है। क्लियर, डायग्राम कौन सा बना के आना है, डायग्राम बनाने के आपको हाइड्रोलिक जो मैंने आपको केस बताया था इसमें आपको स्फेरिकल जो बॉडी थी वो डायग्राम आपको बना के आना है। क्लियर है, अब बात करेंगे हम लास्ट केस की, अपने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या सेविंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम कहेंगे दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक। क्लियर, इसको करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होंगी इसी प्रकार से, और उन दो कंडीशन को हम लेंगे। पहली कंडीशन होगी हमारी, इसको बीटा से करेंगे रिपर टेन या कैपिटल जी से, तो ये बनेगा टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। तीनों ही केस हमारे लिए निजी हैं, आपको बस बताना चाहिए जो दृढ़ता गुणांक है या अपरूपण गुणांक है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ईटा से या कैपिटल जी से, और वो रहेगा टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल, और शेयरिंग स्ट्रेन अपरूपण भी करती, ये दोनों केस हमने कराए हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों केस को करने के लिए टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या होता था, किसी बॉडी के एक फेस के ऊपर उसके पैरेलल है ना, हम एक फोर्स अप्लाई कराते थे, तो उस बॉडी की फेस में क्या होगा, चेंज होएगा और वॉल्यूम में चेंज नहीं होएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से शेयरिंग स्ट्रेन है, शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, एक प्रकार का एंगल है जो हमें फाइंड करना होता है किसी बॉडी के लिए। सपोज दैट इसमें हमको एक क्यूबिकल बॉडी लेंगे, सॉलिड क्यूबिकल बॉडी लेंगे, और इस सॉलिड क्यूबिकल बॉडी का लोअर एंड फिक्स करेंगे और अपर एंड फ्री छोड़ेंगे। ठीक है, और अपर एंड की अपर सरफेस के ऊपर हम पैरेलल फॉर्म में एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो डायग्राम कौन सा बनेगा, एक सॉलिड क्यूबिकल फेस वाला। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा ईटा इक्वल एफ अपॉन ए एज इट इज, और शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, एक प्रकार का एंगल है, कितने एंगल पे वो शेप में चेंज हुआ है, तो ये थीटा। क्लियर, तो इसी फॉर्मूला बनेगा हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए या शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है ना, ये आपको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू द शेयरिंग स्ट्रेस अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहा जाता है। इसे सिंबल कैपिटल जी या ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके लिए फॉर्मूला क्या चलेगा, एफ अपॉन ए अपॉन थीटा, और डायग्राम कौन सा बनेगा, क्यूबिकल बॉडी का। क्लियर, तो ये तीन केस आपको इस प्रकार से करने हैं, राइट, ये शॉर्ट में भी और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए आपको ये प्रिपेयर करने हैं। अब उसके बाद सेकेंड लास्ट टॉपिक है पॉइजन रेशो
पॉइजन रेशो को करने के लिए हमें जो कंडीशन चाहिए वो इस लंच जो हमने टॉपिक कराया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और हुक्स लॉ, इन सभी का कॉम्बिनेशन आएगा पॉइजन रेशो। ठीक है, तो पॉइजन के कोई साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक रेशो डेवलप किया या प्रपोज किया इसके लिए फॉर द ऑल इलास्टिक सब्सटेंस कोडिंग पॉइजन। ये एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रत्यास्थ सभी प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए एक नियम या एक थ्योरी प्रस्तुत की और उस थ्योरी को इन्होंने एक रेशो में कन्वर्ट किया। क्लियर, तो इन्होंने दो फंक्शन लिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला फंक्शन है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकंड वन लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अनुदैर्ध्य विकृति और इसको हम कहेंगे पार्श्व विकृति। ठीक है, दोनों ही क्या है, स्ट्रेन है, दोनों क्या है, स्ट्रेन है। समझ जाना है, चेंज इन कॉन्फिगरेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। तो इन्होंने स्ट्रेन ऑफ ए बॉडी के रिगार्डिंग और इलास्टिक सब्सटेंस के लिए एक रेशो रिप्रेजेंट किया। दोबारा फिर सुनो, पॉइजन ने सभी प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए उनकी विकृति से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया और उनके बीच एक रेशो निकाला। क्लियर है ना, तो उस रेशो को क्या कहेंगे, पॉइजन रेशो कहेंगे। राइट, तो इसके लिए कंडीशन हम इसको थ्योरेटिकल जब रिप्रेजेंट करेंगे इसका प्रिंसिपल देंगे, तो उसके लिए कंडीशन आप नोट करना माइंड में, फिर नोट कर लेना बुक में। ठीक है, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए सॉलिड वायर देन द चेंज इन द लेंथ और डिक्रीजेस इन द रेडियस ऑफ द सॉलिड वायर। ठीक है, दोबारा फिर सुनो, सपोज दैट ये मेरे पास कोई वायर है। ठीक है, इस वायर को मैंने दोबारा फिर एक एंड से क्लोज किया है, फिक्स किया है और एक एंड से मैंने इसको फ्री छोड़ा है। क्लियर, और मैंने जो फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स का अप्लाई किया है इसके लोअर एंड के अगेंस्ट। ठीक है, तो जैसे ही ये इसके ऊपर अप्लाई होगा तो उसकी जो लेंथ ओरिजिनल एल है वो क्या हो जाएगी, डेल्टा एल। आपको इस प्रकार से इंडिकेट करना है, शो करना है, समझ रहे ना, तो एल से क्या हो जाएगी, डेल्टा एल। और जब आपको पता है किसी भी सॉलिड वायर की अगर लेंथ में इंक्रीज होगा तो उसकी जो रेडियस है वो क्या होगी, डिक्रीज। हमेशा ये एक कंडीशन बनेगी कि जब भी हमारे पास कोई सॉलिड वायर है, कोई ठोस तार है और उस तार की जो क्वालिटी है इस प्रकार की है कि जो उसकी लेंथ है वो उसकी विड्थ के कोरस्पॉन्डिंग लार्ज है, जो उसकी लंबाई है वो उसकी मोटाई के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, ज्यादा है। तो ये इसमें आपको कंडीशन लेनी है, वायर की लेंथ आपको ज्यादा लेनी है और उसकी मोटाई क्या लेनी है, आपको कम लेनी है, जिस प्रकार से ये कंडीशन है। तो इसके बाद जब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कराऊंगा तो उस समय लेंथ तो बढ़ जाएगी और इसकी जो रेडियस है या डायमीटर है क्या हो जाएगी, विल बी डिक्रीज, विल बी द डिक्रीज। तो पॉइजन रेशो के लिए आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट लिखना, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड अलोंग ए सॉलिड वायर है ना एट द फ्री एंड। ठीक है, एंड सेकेंड एंड इज सस्पेंडेड टू द अपर पॉइंट, देन द चेंज इन या इंक्रीज इन द लेंथ डेल्टा एल एंड डिक्रीज इन द रेडियस डेल्टा आर। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू द ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल और ओरिजिनल रेडियस कैपिटल आर। समझा गया, जब कोई फोर्स तार जिसकी लंबाई उसकी मोटाई की अपेक्षा अधिक है तो उस अवस्था में उस वस्तु की लंबाई के उस वस्तु के मुख सिरे के अनुदिश लगाया गया डिफॉर्मिंग फोर्स उस
तार की लंबाई में वृद्धि कर जाएगा डेल्टा एल और उसकी त्रिज्या में कमी करेगा डेल्टा आर विद माइनस साइन। क्लियर। तो इस प्रकार दो कंडीशन बनेगी, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा वो क्या रहेगा डेल्टा एल अपॉन एल क्योंकि लेंथ की बात हो रही है, और जो लैटरल स्ट्रेन होगा डेल्टा आर अपॉन आर विद माइनस साइन क्योंकि ये क्या होगा ये डिक्रीज होगा, ये क्या होगा डिक्रीज होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन ने कंडीशन दी थी कि जो लैटरल स्ट्रेन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिस प्रकार से वहां पे स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के उसी प्रकार से क्वेश्चन ने क्या कहा लैटरल स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के, पार्श्व विकृति क्या है समानुपाती है अनुदैर्ध्य विकृति के, तो इसका जो लॉ बनेगा वो चलेगा लैटरल स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ध्यान देना ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, कंफ्यूज मत होना, पूरा कर देना उसको, लैटरल स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, पार्श्व विकृति किसके बराबर है अनुदैर्ध्य विकृति के समानुपाती है। क्लियर। तो इसको हम इक्वल करेंगे सेम उसी प्रकार से, तो इक्वल करने के लिए क्या बनेगा लैटरल स्ट्रेन इक्वल कॉन्स्टेंट आएगा सिग्मा और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको मॉडिफाई करके लास्ट एक्सप्रेशन देंगे ये बनेगा सिग्मा इक्वल लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल क्लियर है ना। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर डी बनी, इसको डिफाइन भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन रेशो क्या है क्वेश्चन अनुपात है किस किस के लिए अनुपात है वो पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहेंगे क्वेश्चन अनुपात कहेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल सिग्मा से। ठीक है। द रेशो लैटरल स्ट्रेन कोरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी इट इज कॉल्ड पॉइजन रेशो, इट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल सिग्मा। क्लियर। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या बन जाएगा ये और करके इनकी वैल्यू प्रूव कर दो आप, इनकी वैल्यू प्रूव करेंगे हम इक्वेशन ए से और इक्वेशन बी से, इक्वेशन ए से और बी से कितनी बनेगी वो डेल्टा आर अपॉन आर विद माइनस साइन अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, इसको एक्सप्रेशन को आप बना देना सिग्मा इक्वल क्या बनेगा ये डेल्टा आर इंटू में जाएगा एल अपॉन डेल्टा एल इंटू आर। क्लियर। तो ये आपका थैंक्स टू है इक्वेशन नंबर बी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन से ये इसके लिए पॉइजन रेशो के लिए। ठीक है। ये क्या है कॉन्स्टेंट है। ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द पॉइजन रेशो इन द टर्म्स ऑफ लिमिट ऑफ। क्लियर। न्यूमेरिकल भी आपको इस फॉर्मूले के बेस पे फाइंड आउट करके आना है। क्लियर है। अब दो कंडीशन रहेगी इसके लिए, एक थ्योरेटिकल वैल्यू एक प्रैक्टिकल वैल्यू। ठीक है। उनको आप नोट कर लेना। तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू है और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है तो जो उसका थ्योरेटिकल वैल्यू है पॉइजन रेशो का और प्रैक्टिकल वैल्यू है पॉइजन रेशो का। ठीक है। वो दोनों अलग अलग है। जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो कितना है माइनस वन से प्लस 0.5 और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो है जीरो से प्लस 0.5।
सैद्धांतिक मान है सभी वस्तुओं के लिए, क्यों ये हमारे पास किसके लिए था, ऑल द इलास्टिक सब्सटेंस, सभी प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए था ये पॉइजन का अनुपात। तो उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस वन से 0.5 है प्लस में, और जो प्रैक्टिकल है वो 0 से 0.5 है। क्लियर। अब इन वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा जो केस है उसको सेटिस्फाई करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वायर होगा उसकी लेंथ उसकी विड्थ के कोरस्पॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो उसकी लेंथ बढ़ाने के बाद उसकी रेडियस कम हो जाएगी, उसकी रेडियस कम हो जाएगी, ये अंडरस्टूड है। क्लियर है ना। तो ये केस उसी को इंडिकेट कर रहा है कि ये माइनस साइन क्यों आया है, क्यों, क्योंकि एक फंक्शन का लॉन है, एक फंक्शन ऑलवेज डिक्रीज होगा, यहाँ पे रेडियस डिक्रीज हो रही है लेंथ बढ़ने के बाद। तो सिंपल सी बात है, एक की वैल्यू माइनस में आएगी और एक की प्लस में आएगी, समझ रहे हैं ना। तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो लाइक रहेगी बिटवीन द माइनस वन से 0.5 तक, जो उसका मान है वो माइनस वन से प्लस 0.5 तक क्या करेगा, कैरी करेगा। बट हमें प्रैक्टिकली क्या करना पड़ता है, हम हमेशा प्रैक्टिकल जब भी करते हैं हम पॉजिटिव को रेफर करते हैं, किसी भी फंक्शन में पॉजिटिव वर्क है, पॉजिटिव आपका एनर्जी है, वाट एवर, तो हम पॉजिटिव को रेफर करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इसलिए जो हमने कंडीशन ली है प्रैक्टिकली कितनी है, 0 से 0.5 प्लस में। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जब निकालेंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ले जाएंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम सिर्फ मान लेते हैं कि हमें प्रैक्टिकल वैल्यू ये शो करनी है, क्यों, क्योंकि हमारी जो थ्योरी है वो ये इंडिकेट करा रही है कि एक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, एक फंक्शन पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। क्लियर। तो ये दो वैल्यू है इसकी, एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि थ्योरेटिकल वैल्यू को आप बताओ पॉइजन रेशो के लिए, तो आपको इस प्रकार से उनको बताना है, अगर वो इनका आपको डिटेल पूछे तो आपको भी डिटेल भी बताना है कि ऐसा क्यों है। क्लियर। तो ये प्रैक्टिकल, तो ये टॉपिक था आपका पॉइजन रेशो। क्लियर है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस, ये बड़ा इजी है, 2 मिनट का ये टॉपिक है। थर्मल स्ट्रेस के लिए आपको सिर्फ 2 कंडीशंस लेनी है, ये थर्मल स्ट्रेस चलेगा हमारा सेम फोर्स अपॉन पर यूनिट प्रोसेशन एरिया, आपको इसमें कुछ भी अलग नहीं करना, सिंपली वही फॉर्मूला रहेगा हमारा फोर्स अपॉन पर यूनिट प्रोसेशन एरिया। बट इसमें 2 डिफरेंस रहेंगे हमारे, वो डिफरेंस आप नोट कर लेना। पहला डिफरेंस, इसमें जब भी हम कोई सॉलिड रोड लेंगे, जब भी कोई सॉलिड रोड लेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो बल्क मैटर है, तो हमेशा बात करेंगे सॉलिड के लिए, और सॉलिड रोड को हम इस प्रकार कंटेन करेंगे कि उसका लोअर एंड और अपर एंड दोनों क्या होंगे, फिक्स होंगे, मतलब उनमें कोई भी फ्री नहीं होगा। इसमें क्या है हमारा पॉइजन रेशो में, एक एंड फ्री है और एक एंड पे हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए पहली कंडीशन सॉलिड रोड होगी, सेकंड कंडीशन दोनों एंड रिजिड फिक्स होंगे, अपर एंड भी हो लोअर एंड भी, तो इन दोनों एंड के बिटवीन जो चेंज इन थर्मल टेम्परेचर है, चेंज इन थर्मल टेम्परेचर बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए सॉलिड रोड, किसी ठोस पदार्थ छड़ के 2 बिंदुओं के बीच जो ताप परिवर्तन है वो हमेशा क्या करेगा,
कंटेन करेगा इस बॉडी में वो या तो ज्यादा होगा या कम होगा। समझ रहे ना, जिस प्रकार मैंने आपको सेवेंथ चैप्टर कराया था थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें हमारे पास किसी एक एंड से किसी एक एंड की ओर एनर्जी या हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता था, हमेशा हॉट से कोल्ड की ओर होता था, है ना। वहां पे एक एंड हमेशा फ्री होता था, बट यहाँ पे क्या है, दोनों एंड को मैंने क्लोज कर दिया है, दोनों सिरों को मैंने फिक्स कर दिया है। तो जो टेम्परेचर होगा ना उस सॉलिड रॉड के लिए, वो उसके बिटवीन लाइक रहेगा, या तो घट रहा है तब या बढ़ रहा है तब, दोनों कंडीशन में। क्लियर है ना। तो थर्मल स्ट्रेस के लिए दो कंडीशन आपको देनी है, इसमें कोई सॉलिड रॉड होनी है वो दोनों एंड से फिक्स होनी है, ठीक है, और उन दोनों एंड के सिरों के बीच एक चेंज इन टेम्परेचर या थर्मल टेम्परेचर कंटेन होना है, ठीक है, और उस समय ये कंडीशन फॉलो होगी फोर्स अपॉन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, फोर्स अपॉन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन आप कैसे करोगे, व्हेन ए सॉलिड रॉड इज सस्पेंडेड ऑफ द टू पॉइंट्स, है ना, अंडर द चेंज इन थर्मल टेम्परेचर बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ए रॉड, क्लियर, देन द थर्मल स्ट्रेस मे बी रिप्रेजेंट फोर्स अपॉन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना। जब किसी सॉलिड छड़ के दोनों बिंदुओं के बीच ताप में कुछ परिवर्तन किया जाए तो उस अवस्था में उष्मीय प्रतिबल बल अपॉन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन, मैंने आपको बताया है थर्मल स्ट्रेस वही है हमारे पास, सिंपली हमेशा P बराबर F अपॉन A होगा, अंडरस्टूड है पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब ये F अपॉन A किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है डेल्टा थीटा पे, डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ द सॉलिड रॉड। तो डेल्टा थीटा क्या है, ये उस ठोस छड़ के दो सिरों के बीच ताप का अंतर है, कौन सा ताप है, वो उष्मीय ताप, थर्मल टेम्परेचर है, क्लियर है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर बी मान लेंगे, इसको इक्वल करेंगे, तो एफ अपॉन ए बन जाएगा, कोई भी कॉन्स्टेंट लेंगे हम इसके लिए, और ये रहेगा डेल्टा थीटा, आपका इक्वेशन नंबर सी एज प्रूव। तो ये गामा क्या है, इज ए कॉन्स्टेंट, है ना, इस इज कॉल्ड टू द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल स्ट्रेस या थर्मल टेम्परेचर, क्लियर। यहां गामा क्या है, एक नियतांक है जिसको हम क्या बोलेंगे, उसमें ताप गुणांक कहेंगे, क्लियर है ना, और इसका फॉर्मूला आपको इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। तो लेक्चर आपका ये कंप्लीट ओवरऑल पूरा हो चुका है, ब्रीफली 5 मिनट के लिए रिवाइज देखते हैं। तो सबसे पहले हुक्स लॉ, हुक्स लॉ में आपको 3 फंक्शन लेने हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन बनेगा, ठीक है, उससे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट फाइंड करने के बाद हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप बताएंगे, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस, इनको करने के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के सभी टाइप कवर करेंगे। और पहला रहेगा हमारे पास यंग मॉडुलस, ये किसी सॉलिड पाइप के लिए आपको लेना है, ठीक है, डायग्राम बना के आना है, इसका फॉर्मूला चलेगा वाई इक्वल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, फॉर्मूला हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है ना, डायग्राम बना के आना है। सेकेंड वन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कैपिटल बी से करेंगे रिप्रेजेंट नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इनके लिए डायग्राम बनेगा, नॉर्मल स्ट्रेस एफ अपॉन ए रहेगा, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम डिक्रीज होता है और शेप में कोई चेंज नहीं होता, तो माइनस डेल्टा डी अपॉन बी बनेगा, इसको मॉडिफाई करके एक्सप्रेशन देख जाएंगे, डायग्राम बनाएंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस वाला, ठीक है। उसके बाद लास्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दोनों ऐसे टॉपिक है, कंफ्यूज मत होना, सिंबल रहेगा कैपिटल जी या इटा, फॉर्मूला रहेगा
टेंजेंशियल स्ट्रेंथ अपॉन शेयरिंग, ठीक है ना। टेंजेंशियल ऑलरेडी वही है हमारे पास एफ अपॉन ए, और शेयरिंग क्या होता है थीटा, है ना। तो उसमें आपको ध्यान देना है शेप पे चेंज हो रहा है, अपर सरफेस पे चेंज हो रहा है, और ये लोअर एंड से फिक्स है, तो मीन्स वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, शेप चेंज हो रही है। तो डायग्राम बनेगा एक सॉलिड क्यूबिकल बॉडी का, ठीक है। फॉर्मूला बना के आएंगे ई का इक्वल एफ अपॉन ए अपॉन थीटा, क्लियर। अगर न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम देगा तो तीनों टाइप में से कोई भी न्यूमेरिकल आए आपको फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए और आपको वो आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। उसके बाद पॉइजन रेशो में ये ऑल द इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए वर्क करेगा, जितने भी सभी प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं उनके लिए वर्क करेगा। और इसमें हमारे पास दो फंक्शन चलेंगे, लोंगिट्यूडनल स्ट्रेन और पार्शियल स्ट्रेन। लोंगिट्यूडनल का मीनिंग वही है, हम कोई भी इनिशियल वैल्यू और चेंज इन वैल्यू, है ना। सपोज दैट हम लेंथ लेंगे तो डेल्टा एल भी होगा, और अगर वो कंडीशन होगी किसी भी सॉलिड वायर की लेंथ में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी रेडियस क्या होगी, ऑलवेज डिक्रीज, तो माइनस साइन आ जाएगा पार्शियल में, सॉरी लैटरल में, ठीक है। तो वो माइनस डेल्टा अपॉन आ जाएगी और लोंगिट्यूडनल क्या रहेगा, डेल्टा अपॉन एल। उनका रेशो क्या बन जाएगा, पॉइजन रेशो कहलाएगा। डिफाइन करने के लिए कहेंगे द रेशो लैटरल स्ट्रेन कोरस्पॉन्डिंग टू द लोंगिट्यूडनल स्ट्रेन, इट इज कॉल्ड पॉइजन रेशो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सिग्मा, और इसको हम फॉर्मूले से करेंगे रिप्रेजेंट, डेल्टा एल अपॉन एल विद माइनस साइन डेल्टा आर अपॉन आर। इसको हम मॉडिफाई करेंगे और एक्सप्रेशन लेके आएंगे, विद न्यूमेरिकल भी आपको प्रिपेयर करना है, क्लियर। इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू वो माइनस वन से 0.5 तक रहेगी प्लस में, और प्रैक्टिकल वैल्यू 0 से 0.5 तक रह जाएगी, ठीक है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कम्प्लीट ऐसा क्यों होता है। अब लास्ट में थर्मल स्ट्रेस में जी आपका एफ अपॉन ए ही है, स्ट्रेस आपका एफ अपॉन ए ही है, बट इन सभी केस में तो एक एंड फिक्स था एक एंड फ्री था। अब इस केस में क्या है, इसमें दोनों एंड फिक्स है किसी सॉलिड रोड के, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट के बिटवीन एक चेंज इन थर्मल टेम्परेचर है डेल्टा थीटा, जो किसके प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस के, एफ अपॉन ए के। बस आपका ये कंप्लीट टॉपिक बन जाएगा, एफ अपॉन ए इक्वल सिग्मा ए कोई कॉन्स्टेंट है, थर्मल कॉन्स्टेंट है डेल्टा थीटा, क्लियर। तो आने वाली प्रॉब्लम को आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपको जितने भी सेशन में हमने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन या जो भी आपके लास्ट प्रीवियस वीडियो है उनको आप अच्छे से वॉच करो, उसके बाद इन टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करो, क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।